तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप फ्रेंड्स सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा स्टेट बोर्ड की तरफ से एक अच्छी खबर निकल कर रही है फ्रेंड्स। तो मैं बता दूं कि जो बच्चे हरियाणा स्टेट बोर्ड से डिप्लोमा, डिफार्मेसी, डिफार्मा या अदर कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, तो फ्रेंड्स उसके लिए एक अच्छी खबर है कि जो हरियाणा स्टेट बोर्ड के डायरेक्टर सर हैं या कुछ जो उनके स्टाफ मेंबर है या कुछ सर है फ्रेंड्स, उन्होंने एक आपके लिए अच्छी खबर यह दी है कि उन्होंने स्टूडेंट मार्क रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन किया फ्रेंड्स। ये पोर्टल स्टूडेंट के हित के लिए है, फ्रेंड्स उन्होंने इस पोर्टल को ओपन किया है फ्रेंड्स। इस पोर्टल को रजिस्ट्रेशन कब करना है, क्या कुछ है, मैं सारा कुछ बताऊंगा फ्रेंड्स इस वीडियो में। फ्रेंड्स मैं ये भी बताने वाला हूं कि आप रेगुलर बच्चे हों, री अपीयर बच्चे हों या पास आउट बच्चे हो, इसको यूज कैसे करना और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहेगा फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, मैं सारा कुछ आपको डिस्कस करूँगा। एंड जितने भी प्राइवेट कॉलेज हरियाणा के उनका सारा का बैंड बच जाएगा फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर। अगर वो वीडियो देख रहे होंगे प्राइवेट टीचर होंगे या प्राइवेट कॉलेज को फ्रेंड्स, तो उनको भी समझ में आएगा कि क्या कुछ हम बच्चे के भविष्य के साथ प्रीवियस करते थे, अब क्या कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारा को पता लगेगा। और जो भी बच्चे देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन भी दबा देना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि ये पोर्टल हरियाणा स्टेट के जो डायरेक्टर सर है उन्होंने लॉन्च किया फ्रेंड्स। इस पोर्टल को में क्या कुछ है मैं पहले आपको इंट्रो दे देता हूँ, फिर आपको इस वीडियो को खोलूंगा, फिर आपको डिस्कस करूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इस पोर्टल के अंदर रहेगा क्या बेसिकली। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इस पोर्टल का जो ओपनिंग डेट है 29 यानी कि होली के दिन रखा गया है। जो बच्चे होली के दिन इस पोर्टल को ओपन नहीं कर पाएंगे उनके लिए नेक्स्ट डे यानी कि 30-31 मार्च को भी ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आप घबराएं मत, अगर आप 29 के अगर ओपन नहीं करते, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए 2-3 दिन एक्स्ट्रा भी दिया जाएगा फ्रेंड्स, जैसे कि मेरी बात हुई है सर से आगे। तो फ्रेंड्स इस पोर्टल के अंदर क्या कुछ होगा, जो बच्चे पास आउट हैं या री अपीयर के हैं या भी रेगुलर के हैं, जो बच्चे सबसे पहले अपना रिजल्ट मिस कर गए हैं, अपना रिजल्ट को भूल गए हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आप थर्ड सेमेस्टर में हो, आप फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट भूल गए हैं फ्रेंड्स, आपके पास री अपीयर है, आपके पास डीएमसी नहीं है, जैसे कि आपके किसी सब्जेक्ट में री अपीयर आ गया और आपको रिजल्ट याद नहीं है, और जब आप पीसीए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें भी आपको याद नहीं रहेगा कि मेरा किस सब्जेक्ट में री अपीयर है। तो फ्रेंड्स इस पोर्टल के अंदर आप आसानी से पता कर सकते हो, कर सकेंगे कि आपका किस सब्जेक्ट में री अपीयर थे और कितने मार्क्स आए थे फ्रेंड्स, सारा कुछ आप देख पाओगे फ्रेंड्स। सेकेंड पॉइंट है जो अच्छी खबर, सेकेंड पॉइंट ये है कि अच्छी खबर आपके लिए कि आप कोड, सब्जेक्ट कोड को मिस नहीं करेंगे। जो सब्जेक्ट कोड आपका प्रीवियस था फ्रेंड्स, वो आप जब आप पेपर देंगे न्यू जब आप पेपर देंगे फ्रेंड्स रीअपीयर का या मर्थ चांस का फ्रेंड्स, तो उस कोड को आप अप्लाई कर सकते हैं आप प्रीवियस वाले कोड को देख कर फ्रेंड्स। तो ये अच्छी खबर है फ्रेंड्स। थर्ड पॉइंट है कि यह है कि जो आपका रिजल्ट होगा या अदर कोई सा भी फ्रेंड्स आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा HSBD की तरफ से, जैसे कि हो गया DMC हो गया फ्रेंड्स, आपका डिप्लोमा हो गया, कोई सा भी अदर डॉक्यूमेंट्स है फ्रेंड्स, आपको इसमें सेपरेटली रखा जाएगा फ्रेंड्स। वो कम से कम आपके 3-4 मंथ तक, जैसे कि आप डिप्लोमा पास आउट हो गए फ्रेंड्स, तो आपके इसी पोर्टल के अंदर रखा जाएगा सुरक्षित, आपको डिसमिस नहीं कर सकता ना आपका डिलीट होगा आपके बिना परमिशन के फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये 3 अच्छी खबर आपके लिए HSBT बोर्ड ने दिया है। तो फ्रेंड्स मैं इस नोटिस को डाउनलोड करता हूँ और इस नोटिस में क्या लिखा है फ्रेंड्स, मैं वो भी बताने का कोशिश करता हूँ आपको फ्रेंड्स। इस नोटिस को मैंने डाउनलोड कर चुका हूँ पहले ही और इस नोटिस को मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स फर्स्ट जो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, वही पॉइंट इसमें विस्तार कर रखा है बोर्ड ने। तो फ्रेंड्स फर्स्ट पॉइंट है कि फिल रॉन्ग सब्जेक्ट पीसीए फॉर्म, जो बच्चे गलत पीसीए फॉर्म भर देते थे, जैसे कि कुछ पीसीए फॉर्म का कोड सब्जेक्ट का कुछ और था, उन्होंने कोड कुछ और डाल दिया था फ्रेंड्स, ये अब आपको गलती नहीं करना है। आप पहले वाले जो अपने पीसीए फॉर्म का जो कोड होगा सब्जेक्ट कोड, वो आप नए में डाल सकते हैं, आपका सेव रहेगा एज ए रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर, मार्क्स पोर्टल के ऊपर। तो आपको ये अच्छी खबर है फ्रेंड्स। सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स, फिल स्टूडेंट ID विच हैव सब्जेक्ट हैज बीन ऑलरेडी पास, वही ID भरना है जो पहले आप उस पास हो फ्रेंड्स, प्रीवियस में जो आप पास हो। थर्ड फ्रेंड्स पॉइंट ये लिखा है कि जो बच्चे प्राइवेट इंस्टीट्यूट से थे या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से थे फ्रेंड्स, उनको दौरा भागी मत नहीं करना पड़ेगा। इट मीन्स कि जो बच्चे को कॉलेज वाले बुलाता था कि आ जाओ कल आओ परसों आप पीसीए फॉर्म भरने के लिए, पर पीसीए फॉर्म नहीं निकलेगा, कोड ए है, कोड मतलब जितने आपको दौरा भागी वाला काम था, आ जाओ कॉलेज कल जाओ, मतलब वो आप कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारा कुछ आपको इसी पोर्टल के ऊपर देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। सारा कुछ आपको इस पोर्टल पे आ जाएगा, आपको क्या कुछ करना है, क्या फिल करना, कैसे फिल करना, सारा कुछ आपको इस पोर्टल के ऊपर बताया जाएगा फ्रेंड्स। मैं भी आपके लिए वीडियो अपलोड करूंगा जब भी ये पोर्टल ओपन होता है फ्रेंड्स, 29 को ओपन होगा, मैं 29 को जितना कुछ होगा फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स अपलोड, मैं सारा कुछ करके आपको दिखलाऊंगा कैसे अपलोड करना है फ्रेंड्स आपको भी, और कैसे इस पोर्टल को ओपन करना है और आपके पास रखना है, अपने पास आपके फ़ोन में रखना है फ्रेंड्स, मैं सारा कुछ आपको 29 को बताऊंगा फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यही कुछ 3-4 पॉइंट्स इसमें लिख रखे, और लास्ट में लिख रखे पॉइंट्स कि फ्रेंड्स
जो ये आपका पोर्टल है प्रत्येक दो मंथ के बाद अपडेट किया जाएगा। जैसे कि आपका रिजल्ट आता है फ्रेंड्स, उनके 2 महीने के बाद फिर अपडेट कर दिया जाएगा, न्यू रिजल्ट को ऐड कर दिया जाएगा, जो पुराने वाले रिजल्ट को उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। इट मीन्स कि जैसे कि आपका री अपीयर आया था पहले वाले एग्जाम में और आप पास हो गए हो, तो फ्रेंड्स री अपीयर को हटा के और न्यू रिजल्ट को उसमें ऐड कर दिया जाएगा। ये एक अच्छी खबर है कि जो न्यू रिजल्ट को भी अपडेट किया जाएगा 2 महीने पे, इस जो आपका पोर्टल है उसको बोर्ड की तरफ से अपडेट किया जाएगा बार बार फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट लिख रखा है कि जो बच्चे 2015 बैच के हैं वो भी बच्चे इसे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इस पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आसानी से। और जो भी उनका प्रॉब्लम है पीसीए के रिगार्डिंग, कोड के रिगार्डिंग, डिप्लोमा के रिगार्डिंग, वो भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं इस वेबसाइट के ऊपर, इस पोर्टल के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसके अंदर है कि जो स्टूडेंट है उस पोर्टल को खुद से रन करेंगे, खुद से फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ऐसे आपको कॉलेज में मत जाना पड़ेगा, खुद आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। नहीं तो मैं फ्रेंड्स मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा, इसमें ये भी पॉइंट मेंशन किया गया है, आपको कॉलेज में नहीं जाना है, आपको किसी टीचर का हेल्प नहीं लेना है, ये खुद से करना पड़ेगा फ्रेंड्स। मैं करूँगा और आपको स्टेप बाई स्टेप करके दिखलाने की कोशिश करूँगा 29 को फ्रेंड्स। अगर ओपन होता है तो मैं 29 को शाम को वीडियो अपलोड कर दूँगा या 30 को मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपके लिए 3-4 अच्छी खबर है जो आपको कॉलेज को चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। जितने भी प्राइवेट कॉलेज वाले हैं वो बुलाते थे कि आ जाओ कल आओ परसों काम हो जाएगा, ऐसे नहीं करना पड़ेगा, आपको इसी वेबसाइट पे सारा काम, इसी पोर्टल के ऊपर सारा काम हो जाएगा, खुद से ही होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स प्लीज़ ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, नया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। मैं आपके लिए वीडियो पक्का अपलोड करूँगा कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन करें जब भी ये पोर्टल ओपन होता है। तो फ्रेंड्स टेक केयर एंड बाय बाय।